जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इतिहास रचने से महज एक विकेट दूर हैं जसप्रीत बुमराह, देखें रिकॉर्ड लिस्ट। तो ऐसे में जानेंगे कि आखिरकार एक विकेट लेते से जसप्रीत बुमराह ऐसा कौन सा कारनामा करने वाले हैं उसी के बारे में। तो ऐसे में आप लोग बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों अगर आप लोग भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन खिलाड़ी और गेंदबाज मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाने वाली है और इस श्रृंखला का आगाज 22 अगस्त से एंटीगा में होने वाला है। तो वहीं जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो 30 अगस्त से जमैका में खेला जाएगा। तो ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज और एक दिवसीय श्रृंखला में आराम करने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच में अब वापसी करते हुए आप सभी को नजर आ सकते हैं। और हाँ, इस बार आराम करने के बाद उनकी गेंदबाजी खतरनाक मोड में दिखेगी टेस्ट क्रिकेट में। तो वहीं इस दौरान उनके पास दोस्तों कुछ इतिहास रचने का भी बेहतरीन मौका होने वाला है। तो वहीं हम अगर आप लोगों को बताएं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह कौन सा कीर्तिमान अपने हासिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर क्या कहता है। दरअसल यॉर्कर मैन के नाम से मशहूर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में कुल मिलाकर 10 मैच खेले हैं, जिनकी 10 मैचों की 20 टेस्ट मैच पारियों में उन्होंने 21.89 की औसत से 49 विकेट हासिल किए हैं, जहां पर जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो 33 रन देकर 6 विकेट लेने का रहा है। तो वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए जानें कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह कौन सा वो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक विकेट लेते से ही जसप्रीत बुमराह अपने टेस्ट करियर में टोटल मिलाकर 50 विकेट पूरे कर लेंगे। तो ऐसे में वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जबकि सबसे तेज 50 विकेट लेने के मामले में ओवरऑल तीसरे भारतीय गेंदबाज वो होंगे। लेकिन दोस्तों वहीं फिलहाल सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने के रिकॉर्ड ऑफ स्पिन गेंदबाज रविंद्र चंद्रन अश्विन के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 9 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। और वहीं दूसरे पायदान पर 10 मैचों में 50 विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले दूसरे स्थान पर मौजूद है। तो ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह भी ये कारनामा कर देंगे आने वाले टेस्ट मैचों में। तो वहीं दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह ये कारनामा कर पाएंगे या फिर नहीं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।